हेलो फ्रेंड्स, देखिए सुबह सुबह कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन हैवी क्वांटिटी में पाई जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। ये सुबह की बारिश का मंजर है, आप देख सकते हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये प्लांट्स। लहलहाने लगते हैं और पूरी तरह से नहा जाते हैं, जिससे इनके स्टोमेटा भी खुल जाते हैं और जिससे इसको अपना फूड बनाने में आसानी होती है। इस तरह से देखिए, ये मैंने बकेट रखी हुई है यहाँ पे, इसमें पानी कलेक्ट कर लीजिए। आप भी इसी तरह से कुछ रख लिया कीजिए तो पानी कलेक्ट करके उसको सेव कर लीजिए, बाद में अपने प्लांट्स को दीजिए तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है प्लांट्स की और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखिए, मैंने मनी प्लांट को इधर करके रखा हुआ था, जबकि अभी तो बारिश तेज़ हो रही, वो धूप तेज़ हो रही थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको इधर किया हुआ था। तो इसका फ़ायदा देखिए अब हो रहा है उसको। अचानक से जब बारिश शुरू हो जाती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जट्रोफा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल होते हैं, वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी अभी आपको। तो इस तरह से जितने भी आपके प्लांट्स हैं जिनके लिए बारिश का पानी बहुत बेनिफिशियल होता है, उनको आप इस तरह से ओपन एरिया में रख दिया करें, शेडी एरिया से निकाल के। और कुछ दिन पहले जब बादल बहुत छा रहे थे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी छोटी सी बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, और अपलोड की थी। तो इस तरह से जो भी शेडी एरिया में आपके प्लांट्स हों, सकुलेंट प्लांट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जैसे कि जेड प्लांट होता है या एडेनियम है, उस सबको नहीं, लेकिन हाँ जो और भी प्लांट्स होते हैं, ड्रेसिना, मनी प्लांट, उस सबको आप ओपन स्पेस में रख दीजिए तो वो बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे कि सब्जियों के जो भी प्लांट्स होते हैं, मेरे पास इस वक्त करेले की वाइन ग्रो हो रही है और लौकी वगैरह की कुछ एक वाइन है वो, और उधर किलो है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, करी लीव्स, और भी सारे ड्रेसिना वगैरह, मनी प्लांट, इस सबको सॉन्ग ऑफ इंडिया और चंपे का जो प्लांट होता है, इस सब के लिए बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं पानी को कलेक्ट करके रख लेती हूँ, अभी और भी बकेट्स ला के रखूँगी तो उसमें भी पानी कलेक्ट हो जाएगा, उसको सेव कर लूँगी और टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स को देती रहती हूँ मैं। और स्टोमेटा जब खुल जाते हैं, पूरी तरह से नहा लेते हैं प्लांट्स पानी में, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल से साफ सुथरे हो जाते हैं और शाइनिंग भी आ जाती है बारिश के पानी से हमारे प्लांट्स में। हम कितनी भी शावरिंग कर लें वो बात नहीं होती है, जो कि बारिश के पानी से हो जाती है। तो यही है आज की वीडियो, बस ये दुआ कीजिए कि इसमें। और हाँ फ्रेंड्स, बारिश के फौरन बाद ही आप अपने प्लांटर्स के जो ड्रेन होल्स होते हैं उनको खोल लीजिएगा और अपने जो टेरिस गार्डन है उसकी जो ड्रेन सिस्टम है, नाली वगैरह है, उसको भी साफ़ कर लीजिएगा, वरना पानी अगर रुक जाता है तो वो हमारी छत को, हमारी बिल्डिंग को बहुत नुकसान पहुँचाता है हर बारिश के बाद। मैं देखती हूँ, अभी तो भाई भी आए थे, उन्होंने सारी नालियाँ चेक कर ली हैं, छतरी लगा के आप जा सकते हैं तो आप छतरी लगा के चेक कर लिया करें, हम भी इसी टाइम पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा होने के बाद फिर वो इधर उधर जाता है, जिससे बहुत परेशानी हो जाती है। कमरे में हमारे दाखिल हो गया था, छत पे एक कमरा बना हुआ, उसमें भी पिछली बार दाखिल हो गया था तो बहुत परेशानी हो गई थी। तो इस तरह से आप काम किया करें और तो आपके प्लांट्स भी सेफ रहेंगे और हरे भरे हो जाएंगे, उनको नाइट्रोजन मिलेगी और भी जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं बारिश के पानी में वो सब मिलेंगे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और सब्जी वगैरह की जो वाइन होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ग्रोथ होती है उनकी। अभी भी आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आपको लगाना है तो सीड्स भी लगा लीजिए, बहुत तेज़ी से उनकी वो होगी स्प्राउट, उसके अंदर निकल आते हैं, अंकुरित हो जाते हैं प्लांट्स और बहुत सीड्स, और बहुत जल्दी से उनकी पौध तैयार हो जाती है, सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं। तो ये बेस्ट सीजन है अपने सीड्स को भी लगाने का।
तो आज की वीडियो बस। और हाँ फ्रेंड्स, ये दुआ कीजिए कि कोई मतलब सैलाब वगैरह ना आए इससे, जहाँ भी हो, सिर्फ अपने ही तक नहीं, सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी बारिश हो, वो नेमत हो उस रब की जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। और हमारा ये नेचर खूबसूरत है, इसमें बैलेंस बना रहे, और इसके लिए जो पेड़ वेड़ काटे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि पेड़ों के काटने से मिट्टी का कटाव होता है और फिर उसी से सैलाब आते हैं। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।